सर। क्या प्रॉब्लम है जी सर, बोले ये फ़ोन पे से पैसा जब ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा वो प्रोसेस में चला गया है। जी सर, हमारे सीनियर सपोर्ट टीम का देखिए आपके मोबाइल पे कॉल रिसीव कीजिए सर, आपको हेल्प किया जाएगा, कॉल आ रहा कॉल को रिसीव कीजिए। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। हेलो, वेलकम टू फोन पे। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन पे में? जी सर, फ़ोन पे से जब पैसा वो ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रोसेस में चला गया है। कितना सर बैलेंस तो आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस में गया है सर? जी सर, 16,000 रुपये। जी कब आपने ट्रांसफ़र किया है? जी सर, कल किए थे, परसों। कल या परसों सर? जी सर, जी सर। जी सर, अपना फ़ोन नंबर बोलिए। जी सर, यही नंबर है जिससे बात कर रहे हैं। जी सर, ठीक है, आपके पास फ़ोन पे है ना अभी? जी सर। जी, अपना फ़ोन पे को ओपन कीजिए और सबसे नीचे में देखिए हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री को ओपन कीजिए। अच्छा सर, वहाँ पर हिस्ट्री लिखा होगा। हिस्ट्री? हाँ जी सर। हिस्ट्री को टच कीजिए। जी सर, वहाँ पर देखिए आपने जो 16,000 ट्रांजेक्शन किया है उसमें देखिए ट्रांजेक्शन आईडी होगा। जी सर, देखें D210 करके ट्रांजेक्शन आईडी होगा लंबी सी लाइन में। जी सर। हाँ बोलिए। ट्रांजेक्शन आईडी हाँ जी सर, टी 21 02 1 02 1 52 1 2 1 0 6 5 7 3 9 2, उसके बाद 7 0 6 3 7 0 6 3। जी सर, जी सर। कल के डेट में आपने जब ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन करने से पहले आपका एग्जैक्ट बैलेंस कितना शो कर रहा था और अभी आपका बैलेंस कितना शो कर रहा है? जी सर, अभी 87,000 है सर। हाँ, और आपका ट्रांजेक्शन से पहले कितना था? जी उससे पहले सर चेक करें एक बार। जी जी, अभी आप करेंट बैलेंस जो है वो आप एक जगह पर लिख के रखिए, रिफंड प्रोसेस के दौरान एक जगह पर लिखना पड़ेगा, इसलिए आप एक जगह पर लिख के रखिए उसे अभी कितना शो कर रहा है। जी सर, 85,680 रुपया सर। जी 680 रुपया, वो आप एक जगह पर लिख के रखिएगा, ठीक है? जी सर। जी मैं आपको रिफंड प्रोसेस बताऊंगा, रिफंड प्रोसेस कीजिएगा, आपका जो बैलेंस कटा है वो बैलेंस आपका रिफंड आएगा, रिफंड आने के बाद आप दोबारा से अपना ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी सर। जी सबसे पहले फोन पे को बैक करके फिर से ओपन कीजिए। हाँ जी सर, हो गया। हाँ देखिए, 4 ऑप्शन आ रहा होगा, टू कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट, टू सेल्फ एंड बैंक बैलेंस। अच्छा, टू कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट, टू कॉन्टैक्ट, अच्छा, एंड बैंक बैलेंस। हाँ जी, हाँ जी, 4 ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी सर। हाँ, सेकंड ऑप्शन, टू अकाउंट को टच कीजिए। हाँ जी सर, हो गया। टू अकाउंट को टच करने के बाद वहाँ पर देखिए नीचे में ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट आ रहा है ब्लू कलर का। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, नीचे है। हाँ, उसे टच कीजिए। हाँ जी सर, हो गया। जी, टच करने के बाद अभी देखिए वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, सभी बैंकों का ऑप्शन शो हो रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सबसे ऊपर में देखो सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन है। हाँ जी, है ऊपर। हाँ, वहाँ पर टाइप कीजिए PAY। क्या लिखना है? लिखिए PAY। क्या टी? हाँ, पी फॉर पंजाब। अच्छा अच्छा, PAY। हाँ, ऑप्शनल में सबसे नीचे में देखिए आया होगा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का फॉर्म आया होगा सबसे नीचे। हाँ जी सर, है। उसे टच कीजिए। आज अकाउंट नंबर मांग रहा है सर। अकाउंट नंबर के जगह अकाउंट नंबर नहीं डालिएगा, मैं आपको यहाँ से रिफंड आईडी बोलूँगा, रिफंड आईडी डालना है, ठीक है? अच्छा सर जी, लिखिए 91 70 70 81 85 35 06 06 03 03। हाँ जी सर, हो गया। नीचे में सेम
आईडी नंबर लिखिए, आपका जो रिफंड आईडी है वो अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर है ना? जी सर, वो तो हाइड हो गया, फिर कितना है? हाइड हो गया तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, लिखिए 9170 9170 8170 81 81 85 06 06 03 03। हाँ, नीचे में आईएफएससी कोड का ऑप्शन शो हो रहा है। हाँ जी सर जी, रिफंड आईएफएससी कोड लिखिए, TM। जी सर लिख दिए। क्या क्या लिखे वहाँ पर? PYTM। हाँ, PYTM लिखे है ना? हाँ जी सर। हाँ, 0 1 2 3 4 5 6, पहले 0 उसके बाद 1 से लेकर 6 तक लिखिए। हाँ जी सर, हो गया। हाँ, ऑप्शनल में नीचे में क्या आ रहा है? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड नोएडा ब्रांच आ रहा है। अच्छा, हाँ जी सर, पेटीएम पेमेंट बैंक LTD नोएडा ब्रांच। नोएडा ब्रांच है ना, जहाँ से रिफंड आएगा वहाँ से? हाँ जी सर। हाँ, नीचे में आपका अकाउंट होल्डर नेम होगा, आप अपना नाम फुल डालिए, आपका फोन पे है ना? हाँ जी सर, मेरा ही है। अपना फुल नेम डालिए, अकाउंट होल्डर नेम है सर। हाँ, अकाउंट होल्डर नेम है, अपना नाम डालिए, फुल नेम। अच्छा सर, ये बैलेंस रिफंड होगा नोएडा ब्रांच से? हाँ, ये रिफंड होता है हेल्पलाइन से, नोएडा ब्रांच से। अच्छा जी, अपना फुल नेम डालिए वहाँ पर। ठीक है सर, डाल दिए। हाँ, अभी नीचे में अपना फ़ोन नंबर डालिए, फ़ोन पे फ़ोन नंबर। अच्छा जी, लिख दिए सर। हाँ, नीचे में निक नेम है, निक नेम में अपना कटा हुआ बैलेंस और रिफंड लिखिए। नीचे में निक नेम? हाँ, निक नेम में अपना कटा हुआ बैलेंस कितना कटा था? अच्छा, आपका बैलेंस कितना कटा था सर? 16,000 सर। हाँ, वो बैलेंस लिखिए। हाँ जी सर, लिख दिए। हाँ, और रिफंड लिखिए, इस पे देखिए रिफंड लिखो, REFUND रिफंड, REFUND। हाँ जी सर, हो गया। हाँ, इस पे डाल के बैलेंस लिखिए, बैलेंस। अच्छा, बैलेंस कैसे लिखना है सर? बैलेंस वहाँ पर माइक में बोल के लिख लीजिए सर। हाँ जी सर, लिख दिए। हाँ, क्या क्या लिखे नीचे में? 16,000 रिफंड बैलेंस। हाँ, अभी ऊपर में क्या क्या लिखे हैं? अपना मोबाइल नंबर, अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, अभी नीचे आइए, नीचे वहाँ पर कंफर्म करने का ऑप्शन है, कंफर्म कीजिए। अच्छा, ये हो गया कंफर्म। कंफर्म होने के बाद अभी क्या ऑप्शन आ रहा है? जी सर, ये बैलेंस लिखने के लिए बोल रहा है, रुपया कितना सेंड करना है या क्या पता? कितना सेंड करते हैं या रिफंड करते हैं ना सर? हाँ जी सर, रिफंड का नहीं, ये सेंड करने का ऑप्शन दे रहा है। हाँ, सेंड करने का ऑप्शन है, उसमें सेंड नहीं कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे में ऐड ए मैसेज है। हाँ जी, हाँ जी सर, ऐड ए मैसेज में कुछ नहीं लिखना है, ऊपर में इंटर जहाँ पर बैलेंस लिखने का ऑप्शन है वहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखिए, 5 अंक जो आपका फोन पे में रजिस्टर्ड है। अच्छा सर, इस पे? हाँ, अपना इंटर अमाउंट का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर, वेरीफाइड मोबाइल नंबर। ये पूरा नंबर लिख दे? नहीं, 5 अंक का। 5 अंक का अपना मोबाइल नंबर लिखिए सर, 5 अंक का। अच्छा जी सर, लिख दिए। आपका मोबाइल नंबर कितना कितना है 5 अंक का? 7676 फिर एक बार बोलिए। 7676। हाँ, अभी नीचे आइए, सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे में देखिए रिक्वेस्ट को सेंड करने का ऑप्शन है, सेंड को क्लिक कीजिए। एक मिनट सर। हाँ जी सर, सेंड पर ये तो बैलेंस तो नहीं कट जाएगा सर? नहीं नहीं सर, वो आपका मोबाइल नंबर है, डोंट वरी, वेरीफाई मोबाइल नंबर है, सेंड को क्लिक कीजिए। पर सर, ये बैलेंस तो लग रहा है कटने वाला है। वो बैलेंस कटेगा नहीं सर, आपका वो वेरीफाइड मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आप खुद के माध्यम से 1 रुपया डालिएगा तो वो बैलेंस बन जाएगा, और वो आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है सर। अच्छा सर जी, सेंड को क्लिक कीजिए। पर सेंड करते हैं तो ऐसा ही आता है जब किसी को सेंड करते हैं तो? जी सर, मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपका ये मोबाइल
मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर डाला वहाँ पर, कोई बैलेंस नहीं डाला है सर, ठीक है। आप अगर एक रुपया डाल देंगे तो वो बैलेंस होगा, और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, वो आपका वेरीफाइड मोबाइल नंबर है। नीचे आइए, नीचे में सबसे रिक्वेस्ट को सेंड करने का ऑप्शन है, सेंड को क्लिक कीजिए। पर करो सर, बैलेंस तो नहीं कटेगा? ये नहीं कटेगा सर, डोंट वरी। सेंड को क्लिक करने के बाद अभी क्या ऑप्शन आ रहा है? सेंड का ही ऑप्शन आ रहा है, अभी सेंड नहीं किए हैं। हाँ सेंड कीजिए, कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं सर, लग रहा है ये बैलेंस कटने वाला है। नहीं कटेगा सर, डोंट वरी, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, कर रहे हैं। सेंड को क्लिक कीजिए, अभी क्या ऑप्शन आ रहा है सेंड करने के बाद? ये तो UPI पिन मांग रहा है। हाँ, इंटर UPI पिन सपोर्ट करके वेरीफाई कीजिए, और वेरीफाई करने के बाद आपको मैसेज आएगा। मैसेज के बाद आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कीजिएगा कि वो बैलेंस रिफंड आया या नहीं आया। इंटर UPI पिन सपोर्ट करके वेरीफाई कीजिए। पर करूँ सर, ये बैलेंस लग रहा है कट जाएगा फिर UPI पिन? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। आप एक ही बात बता रहे हैं, आपने पहली बार फोन पे में कॉल किए क्या सर? जी सर, पहली बार ही किए हैं जी, तो इसीलिए आप इस तरह आपको लग रहा है। आप अपना इंटर UPI पिन सपोर्ट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। पर पैसा तो नहीं कटेगा सर? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा, आप चेक कर लीजिएगा। कर दूं? आप कीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर सर फिर कट गया बैलेंस तो फिर क्या होगा? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। ऐसा कभी होता है क्या हेल्पलाइन से बैलेंस कटेगा? आप वहाँ पर इंटर UPI पिन सपोर्ट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। अच्छा ठीक है सर, कर रहा हूँ। हाँ अभी क्या ऑप्शन आ रहा है? जैसे इंटर UPI सपोर्ट कर लिए, देख रहे हैं सर, ये हो गया। क्या ऑप्शन आ रहा है उसके बाद बताइए। ओके और कैंसिल का ऑप्शन आएगा। मैक्सिमम 5,000। जी सर, वहाँ पर लिमिट तो कितना बता रहा है? 5,000 ही बता रहा है। रेड कलर का आ रहा है 5,000 ना? हाँ जी, हाँ जी सर जी। वहाँ पर पूरा कट कीजिए, अपना लिमिट लग लिखिए, अपना जो लिमिट है वो लिखिए। अच्छा कितना कट हो गया सर? जी क्या बोले? कट हो गया, पीछे बैक आ गया, फिर वहीं पे पूरा कट कर दिया? नहीं पूरा नहीं, जहाँ पे लिखे थे वो अपना मोबाइल नंबर 5 अंक की। कंफर्म का ऑप्शन है ना? नहीं सर, जहाँ UPI पिन देते हैं सेंड का ऑप्शन पे है। सेंड का ऑप्शन पे आए तो वहाँ पर ऊपर में जो आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, वो कट कीजिए पूरा। अच्छा सर, यो वहाँ पर अपना अपना लिमिट लिखिए, वहाँ पर लिमिट बैलेंस। आपका लिमिट बैलेंस कितना होता है? लिमिट तो ये तो हमें पता नहीं लिमिट कितना है। जी जी, आपका वहाँ पर रेड मार्क आ रहा है और आपका 5,000 डालने के लिए आ रहा है ना सर? हाँ जी सर, अपना 5,000 डालिए वहाँ पर। अच्छा हाँ जी सर, हो गया। अभी सेंड कीजिए, अभी इंटर UPI पिन सपोर्ट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। फिर तो सर ये लग रहा है बैलेंस कट जाएगा। नहीं कटेगा सर, पहले आपका कटा था क्या? नहीं कटेगा, ये हेल्पलाइन है। एक बार सर 16,000 रुपया कट गया, फिर ऐसा ना हो जाए फिर ये भी फंस जाए। एक रुपया चार्ज नहीं कटेगा सर आपका, डोंट वरी। इंटर UPI पिन सपोर्ट किया? जी सर। देखिए वहाँ पर सक्सेसफुल आ रहा है या फेल्ड आ रहा है? देख रहे हैं सर। सर यहाँ पे तो लिख रहा बैलेंस ही कम है इसमें। बैलेंस की कमी है सर, चेक कर ले एक बार बैलेंस। हाँ चेक कर लीजिए सर, कोई बात नहीं। आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। सर इसमें आपका एक अकाउंट लिंक है या दो अकाउंट लिंक है? जी सर, दो अकाउंट हैं। तो आपने एक अकाउंट से अपने और टच किया था ना? जी सर, ये तो जी सर रिफंड आ गया सर। रिफंड आया ना? थैंक यू सर। जी जी ओके। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए।